हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए के ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट लेकर आया हूं। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनटीपीसी, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग स्टेनो सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और स्टेनो सीख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सके। और दोस्तों, आपको डिक्टेशन की जो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब हम डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बाबरी मस्जिद को गिराने के बारे में अब जो फैसला आया है, कोमा, उस पर तीखा विवाद छिड़ गया है, विराम। इस फैसले में सभी कार सेवकों को दोष मुक्त कर दिया गया है, विराम। कुछ मुस्लिम संगठनों के नेता कह रहे हैं कि यदि मस्जिद गिराने के लिए कोई भी दोषी नहीं है तो फिर वह गिरी कैसे। सरकार और अदालत ने अभी तक उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जो मस्जिद ढहाने के दोषी थे। जो सवाल हमारे कुछ मुस्लिम नेता पूछ रहे हैं, कोमा, उनसे भी ज़्यादा तीखे सवाल अब पाकिस्तान के नेता, कोमा, अखबार और चैनल पूछेंगे, विराम। इस फैसले को लेकर देश में सांप्रदायिक असंतोष और तनाव फैलाने की कोशिशें शुरू हो गई है, विराम। मान लें कि सीबीआई अदालत लाल कृष्ण आडवाणी, कोमा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे सभी आरोपियों को सजा देकर जेल भेज देती तो क्या होता। पहली बात तो यह कि इन नेताओं ने बाबरी मस्जिद के उस ढांचे को गिराया है, कोमा, इसका कोई भी ठोस या खोखला सा प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है, विराम। यह ठीक है कि ये लोग उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इनमें से किसी ने उस ढांचे की एक ईंट भी तोड़ी हो, कोमा, ऐसा किसी फोटो या वीडियो में नहीं देखा गया, विराम। इसके विपरीत इन नेताओं ने उस वक्त भीड़ को काबू करने की भरसक कोशिश की, कोमा, इसके कई प्रमाण उपलब्ध हैं, विराम। आडवाणी जी ने तो सारी घटना पर काफ़ी दुख भी प्रकट किया, विराम। यदि अदालत दर्जनों नेताओं को सजा दे देती तो क्या होता। यही माना जाता कि ठोस प्रमाणों के अभाव में अदालत ने मनमाना फैसला दिया, विराम। पर सवाल यह भी है कि मस्जिद जिन्होंने गिराई, कोमा, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया और सजा दी गई। क्या किसी मंदिर या मस्जिद या गिरजे को कोई भी यूं ही गिरा सकता है? क्या उसको गिराना अपराध नहीं है? यदि आप
मानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में यह अपराध हुआ है, तो वे अपराधी कौन हैं? अदालत का कहना है कि सबूत बहुत कमज़ोर थे, विराम। नेताओं के रिकॉर्ड किए हुए भाषण अस्पष्ट थे, कोमा, जिनका ठीक ठाक अर्थ समझना मुश्किल था, विराम। जो फोटो सामने रखे गए, कोमा, उनमें चेहरे पहचाने नहीं जा सकते थे, विराम। अदालत तो ठोस प्रमाण के आधार पर फैसला करती है, विराम। यदि प्रमाण कमज़ोर हैं तो इसमें अदालत का क्या दोष है? प्रमाण जुटाना तो सीबीआई का दायित्व है, लेकिन उसके बारे में तो कहा जाता है कि वह पिंजरे का तोता है, विराम। मान ले कि सीबीआई ठोस प्रमाण जुटा लेती और जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि बाबरी मस्जिद का ध्वंस कानून का भयंकर उल्लंघन था और भाजपा के इन नेताओं को सजा हो जाती तो क्या हो जाता, विराम। क्या मस्जिद फिर खड़ी हो जाती? जो 2,500 लोग उसी विवाद के कारण मारे गए थे, कोमा, क्या वे वापस आ जाते? मंदिर मस्जिद पर पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय ने जो लगभग सर्वमान्य फैसला दिया है, कोमा, क्या वह निरर्थक सिद्ध नहीं हो जाता? देश में क्या हिंदू मुस्लिम तनाव दोबारा नहीं बढ़ जाता? नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में जो आंदोलन चल रहे थे, कोमा, क्या उनका विरोध और तुल नहीं पकड़ता? यदि कुछ भाजपाई नेताओं को 4-5 साल की सजा हो जाती तो क्या वे ऊंची अदालतों के द्वार नहीं खटखटाते, विराम। पहले ही इस मुकदमे को तय होने में 28 साल लग गए, विराम। जिन 49 लोगों पर मुकदमा चला था उनमें से 17 तो संसार से विदा हो गए हैं, विराम। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सकें। और दोस्तों, इस डिक्टेशन का जो PDF है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।